नमस्कार दोस्तों, फोर्थ आई न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसके बाद आपकी सरकार पर शायद नाराजगी बढ़ सकती है। 400 यूनिट मुफ्त बिजली देने का दावा करने वाली हमारी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार नए साल पर एक जोरदार झटका देने जा रही है। छत्तीसगढ़ वासियों को बिजली का जोरदार झटका लगने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने प्रति यूनिट 49 पैसे VCA चार्ज बढ़ा दिया है, जो दिसंबर से ही लागू होगा। इस वृद्धि के बाद प्रति यूनिट VCA चार्ज 1.10 रुपये हो गया है। आपको बता दें कि पिछले 4 महीने में दूसरी बार VCA चार्ज में बढ़ोतरी हुई है। VCA यानी वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट चार्ज, ये पहले 61 पैसे था, अब 100 यूनिट की खपत में बिजली बिल 400 रुपये है तो नए VCA दर के मुताबिक 49 रुपये ज़्यादा देने होंगे। इसके पहले सितंबर 2022 में भी VCA चार्ज बढ़ाया गया था। सितंबर में 0.23 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया गया था। इस तरह बिजली 4 महीने में 0.72 पैसे यूनिट महंगी हुई है। बताया जा रहा है कि अगस्त और सितंबर में खरीदी गई बिजली महंगी मिली है। बिजली के लिए जो पैसे ज़्यादा दिए गए हैं उसे एडजस्ट करने के लिए ही VCA चार्ज में 0.49 रुपये प्रति यूनिट की वृद्धि की जा रही है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और भाजपा भी आमने सामने हैं। भाजपा का कहना है कि सरकार हाफ बिजली बिल का वादा कर सत्ता में आई, अब 4 महीने में दूसरी बार बिजली दर बढ़ाई गई, ये प्रदेश की जनता के साथ धोखेबाजी है। बिजली बिल हाफ करने का वादा करके सत्ता में आए भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार बिजली का बिल बढ़ाकर जनता के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। महंगाई पर छाती पीटने वाले लोग लगातार आज बिजली का बिल बढ़ाकर जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं और आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को, जो कि सरप्लस राज्य है बिजली के दृष्टि से, और उसके बाद भी लगातार बिजली का बिल बढ़ाना, ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय है, अत्याचार है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार के द्वारा बिजली के दाम में 1 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। बिजली के दाम को रिवाइज करने का अधिकार विद्युत नियामक आयोग की अनुशंसा के बाद ही है। वर्तमान में जो VCA बढ़ाया गया है 49 पैसे का, उसका कारण यह है कि अभी तक जो छत्तीसगढ़ में कोयला के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जाता था वह हमारे प्रदेश का कोयला था, लेकिन अब मोदी सरकार ने अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए देश की हर विद्युत कंपनी में यह अनिवार्य नियम बना दिया है कि 15% तक अब उनको विदेशी कोयला का उपयोग करना होगा। जो कोयला राज्य का था वह 6,000 रुपये प्रति टन था, जो विदेशी कोयला है वह 25 से 26,000 रुपये प्रति टन है। तो जो कोयले की कीमत बढ़ी है उसके कारण विद्युत कंपनियों को VCA में बढ़ोतरी करनी पड़ी है, जिसकी नीति के कारण कोयला महंगा हुआ है। वैसे आप बिजली के बढ़े दामों के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या भूपेश सरकार का इसमें दोष है, या फिर जिस तरह से सरकार कह रही है कि केंद्र की नीति की वजह से इसका छत्तीसगढ़ पर प्रभाव पड़ा है, उसे आप सही मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बने रहिए फोर्थ आई न्यूज़ के साथ। नमस्कार।